हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फास्फोसिन का। जो फास्फोसिन है वो एक पाउडर फॉर्म में है और मैं आगे आपको इसके फ़ायदे, नुकसान, कौन सी कंपनी में आती है, कितने रुपए का आता है और कैसे यूज करते हैं सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कंटेंट क्या डाला गया है। इसमें जो कंटेंट है फास्फोमाइसिन ट्रोमेटामोल है, जो कि पाउडर फॉर्म में है। और इसका जो यूज है वो यूटीआई में होता है। यूटीआई को ही फुल फॉर्म में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे यूथ्रा में इन्फेक्शन फैला देते हैं, जिसकी वजह से पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब करते टाइम बहुत पेन होता है, या आपको ऐसा लगेगा कि पेशाब लगी है बट होता नहीं है, और उसकी वजह से और भी कमर बहुत दर्द करेगा, एक साइड का कमर भी बहुत दर्द करेगा। और ये मोस्टली यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ज़्यादातर महिलाओं में होता है। और मैं इसके लक्षण भी बताऊंगा। अगर आप देखोगे 10 लोग हैं तो 10 लोग में से 8-7 लोग औरत को ही ज़्यादा मोस्टली यूटीआई होता है और 3 लोग इन आदमी लोग को या मेन को यूटीआई का इन्फेक्शन होता है। मोस्टली जो होता है गर्ल में, लड़की में, औरतों में यूटीआई की प्रॉब्लम होती है और जो मेन लोग हैं उनमें कम होती है। दोस्तों, यूटीआई का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर कुछ लक्षणों की वजह से होता है। सबसे पहला जो लक्षण है, अगर आप कम पानी पीते हो तो आपको 100% होगा ही होगा। मोस्टली केसेस में जो लोग कम पानी पीते हैं उनको यूटीआई की समस्या होती है। बाकी दूसरा है, अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी है, तो इस केसेस में होता है। या आप ज़्यादा देर तक पेशाब होल्ड करके रखते हो तब आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है और होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। और अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बहुत सारी मेडिसिन हैं, उसमें से एक है फास्फोसिन, जिसमें फास्फोमाइसिन डाला गया है और ये सैचेट फॉर्म में है। जैसे इनों का सैचेट होता है वो सैचेट फॉर्म में है और आप एक बार इसको नॉर्मल पानी में ले के पी सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सैचेट है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले से निकाल के रखा है। ये ऐसा सैचेट फॉर्म में अवेलेबल है। आपको यहाँ से कट करना है और एक 100 ml का, 100 ml का पानी लेना है ग्लास में और इसको पूरा डाल देना है। ये जो सैचेट है 3 ग्राम का सैचेट है, आपको ये 3 ग्राम का सैचेट में अवेलेबल होता है और ये सैचेट आपको एक बार में ही पानी में डाल के देना है। यहाँ से कटने का देखो निशान बनाया हुआ है। आपको एक बार पानी में डाल दे, गिलास में डाल देना है, 1-2 मिनट तक रोक के। उसके बाद जितना भी इसका है फास्फोमाइसिन है वो सब घुल जाएगा पानी में और उसके बाद आप एक ही शॉट में आपको पी लेना है। और जो पानी रहे वो नॉर्मल रहना चाहिए, ना ठंडा पानी लो ना गर्म लेना है। दोस्तों, एक बार में ही आपका जितना भी यूटीआई का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और ये उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो यूटीआई में यूज होते हैं, लेकिन फास्फोमाइसिन उन सबसे बेहतर है दोस्तों। और इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है वही है कि हमारा सर घूमने लगेगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया जैसा फील होगा, या सर घूमेगा, चकराएगा। ये सब इसके कुछ ना कामन साइड इफ़ेक्ट हैं, वैसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नहीं। और इसके बचने का उपाय एक है कि आप ज़्यादा पानी पीते रहना। आपका पानी पीते रहना ही आपको यूटीआई से बचा सकता है। पानी बहुत ही लाभकारक है दोस्तों हमारे शरीर के लिए। आप अगर पानी पी रहे हो ज़्यादा, तो आप नॉर्मल पानी पी रहे हो जितना, अगर पानी अपना, हम लोग को शरीर में पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। आप अगर अच्छे से पानी, डेली पानी पी रहे हो जितना रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को, तो बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। उनमें से एक यूटीआई भी है और दूसरा पथरी का भी प्रॉब्लम है, जिसको बहुत सारे लोग को स्टोन हो जाता है, वो लोग पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी स्टोन होने का बढ़ जाता है। दोस्तों, जो फास्फोमाइसिन है बहुत ही बेहतरीन दवा है और ये 3 ग्राम का सैचेट है, 300 रुपये का आता है और एक बार में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं आपको बता दिया हूँ कि 100 ml पानी लेना है, उसमें घोल देना है, नॉर्मल पानी रहना चाहिए, घोल के एक बार में पी लेना है। आपको पथरी की समस्या एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। बाकी उसके जो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट थे, और आप देख सकते हो फास्फोमाइसिन, जो फास्फोसिन है ये अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है और भी बहुत सारे ब्रांड है जो अलग अलग कंपनी बनाती है। और इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नहीं। आपको अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है तो आप जाके ये मेडिसिन ले सकते हैं और लेके पी सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।